how to protect your imported data in your laptop or your computer without any software. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हो बिस्टफ। बिस्टफ के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हमारे डेली लाइफ में सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है, हमारे इम्पोर्टेंट डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो भी पासवर्ड दे के। आप उसे पासवर्ड दे सकते हो सिर्फ, हालांकि इसको हाइड नहीं कर सकते, उसको हाइड भी कर सकते हो, उसको पासवर्ड भी दे सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, चलिए हम देखते हैं। देखने से पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट है यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। सो चलिए चलते हैं हम लैपटॉप पे और कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे आपके फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट बनाते हैं, देखते हैं। पहले आपको ओपन करना पड़ेगा नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको लगेगा एक कोड, देखो एक कोड है क्लोज एट द फीबिस्टब टाइटल फीबिस्टब डॉट कॉम। ये सब कोड आपको चाहिए, डोंट वरी, ये कोड मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप नीचे देखो वीडियो के, एक कोड है, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और ये कोड पेस्ट करने के बाद ये फाइल आपको सेव करनी पड़ेगी। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ अभी। डेस्कटॉप पे लॉक नाम से और एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा आपको, .pat एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा और ये सेव करनी पड़ेगी। पहले मेरी सेव है इसलिए ये पूछ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये सेव करो। सेव करने के बाद क्लोज करो। अब ये हो गई क्लोज। अब इस लॉक फोल्डर को आप डबल क्लिक करो, ये डबल क्लिक हो गया और ये माय फोल्डर फाइल क्रिएट हो गई। इस माय फोल्डर में जो आपको इम्पोर्टेंट डेटा रखना है वो आपको कॉपी करना पड़ेगा। देखो अभी ये सोशल मीडिया एक फोल्डर में इसमें रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, और ये रख दिया मैंने, ये मेरा इम्पोर्टेंट डेटा है, मैं क्लोज किया। अब इसको लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा और ये पूछेगा आपको कि आपको ये फाइल लॉक करनी है, आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर। आपको यहाँ पे यस टाइप करना है और एंटर करना है। देखो ये फाइल आपको हाइड हो गई, और रिफ्रेश करो, आपकी फाइल लॉक हो गई। अभी आपकी फाइल को कोई देख नहीं सकता। अगर ओपन करना पड़ेगा, कोई ओपन करने जाएगा तो उसको पासवर्ड पूछेगा कैसे, इस पर डबल क्लिक करो। देखो यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हो गई तुम्हारी। फीबिस्टब एंटर पासवर्ड टू अनलॉक यूअर सिक्योर फोल्डर, ये आपको पूछ रहा है, पासवर्ड डालने के लिए पूछ रहा है। तो डिफ़ॉल्ट मैंने पासवर्ड रखा है फीबिस्टब, आई मीन एट फीबिस्टब, एट फीबिस्टब एंटर। देखो ये फोल्डर जो लॉक हुआ था, आई मीन पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, वो ओपन हो गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे माय फोल्डर ओपन हो गया। तो ऐसे आप कोड को एडिट करो और आपको जो चाहिए वो पासवर्ड दो। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद स्टफ। बाय बाय फॉर नाउ।